हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजमत। आज की अपनी मुर्गी पालन की टॉपिक है, मुर्गियों में हो जाए या मुर्गों में हो जाए या चूजों में हो जाए, पंख क्यों जाते हैं, वो जाने की वजह क्या है। मेन कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, गन पॉइंट्स समझ लीजिए। ये पॉइंट्स का ख्याल रखिए आप। डेफिनेटली आपके मुर्गियों के पंख गए भी हो तो दोबारा आ जाएंगे, अगर है आपके पास तो नहीं जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या रहता है, फ्री रेंज एरिया ना होने की वजह से, यानी कम जगह में ज़्यादा मुर्गियों को पाल रहे हो आप, तो एक मुर्गी दूसरी को भोग कर उसके पर पूरे उखाड़ने के चांसेस है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर जिस तरह से दिख रहा है आपको फ्री रेंज एरिया, उस तरह से फ्री रेंज एरिया में करने की कोशिश करिए मेरे भाई। पहला पॉइंट, यानी कम जगह में ज़्यादा मुर्गियाँ हो तो यहाँ पर आपको इसका इलाज भी पता चलेगा। क्योंकि आपका इलाज क्या पता चलेगा, क्या पता चल रहा है आपको, ज़्यादा जगह में मतलब थोड़ा मुर्गियों के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा जगह रखेंगे, खुला रखेंगे मुर्गियों को इस तरह से जैसे दिख रहा है आपको, तो ये दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। और दूसरा, जो मुर्गी अंडा देने वाली हो ना, उसको कैल्शियम ज़रूरत रहता है, जो अंडा तैयार होने के लिए, पेट में तैयार होने के लिए कैल्शियम। अंडा तो कैल्शियम से ही तैयार होता है, उसका ऊपर का छिटला आपको पता है। फिर वो मुर्गी क्या करती है, बाजू में मुर्गा रहता है ना, उसको पकड़कर एक एक पंख खींचते रहती है, खाते रहती है। तो यहाँ पर कैल्शियम की कमी के वजह से भी मुर्गियों में हो जाए, मुर्गों में भी पंख जाते रहते हैं, एक मुर्गा दूसरे मुर्गे के पंख भी खींचकर खाते रहता है। तो यहाँ पर कैल्शियम की कमी किस तरह से दूर करें, कैल्शियम वाला फीड इस्तेमाल करने से कैल्शियम की कमी दूर होगी मेरे भाई। जैसे कि सोजनी की फल्ली रहती है, उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर दे रहे हो आप, उसका पत्ता भी थोड़ा ग्राइंड कर दे रहे हो, फीड में मिला कर दे रहे हो। और कैल्शियम सप्लीमेंट टॉनिक्स, ठीक है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, या ऑस्ट्रोवेट या ब्रूटोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह के आपको कैल्शियम के जो जितने भी है ना, वो इस्तेमाल करने से कैल्शियम की कमी दूर होगी, ठीक है। दो पॉइंट्स, एक फ्री रेंज, एक कैल्शियम की कमी बताया हूँ मेरे भाई ये। और एक मुर्गी के पंख गए हैं तो उसके पंख किस तरह से लाए दोबारा। देखो, आधे पंख चले गए, आधे पंख है मुर्गी के, तो आपको क्या करना है, वो मुर्गी को जो मुर्गी के पंख पूरे जा रहे उसको क्या करना है, एक 10 दिन के लिए अलग रखिए, एक जाली में रखिए या एक पिंजरे में रखिए, दूसरे मुर्गियाँ मुर्गे नहीं मिले जैसा, एक 10 दिन रखिए। 8 दिन के बाद आपको रिजल्ट मालूम होते रहेगा, छोटे छोटे पंख आते रहेंगे वो, और 1 वीक में पूरे बड़े होते जाएंगे, 10 से 15 दिन में उसके पूरे पंख कवर हो जाते हैं मेरे भाई। और यहाँ पर रखिए, जब आपको फीड पे भी ध्यान देना है, कैल्शियम सप्लीमेंट टॉनिक जैसे ऑस्ट्रोवेट हो जाए या कैल्शियम की टॉनिक्स हो जाए, ये इस्तेमाल कर लेते हैं आपको। फीड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेरे भाई, वो फीड मैनेजमेंट में क्या क्या करना है आपको। पहला देखिए, फीड में सबसे पहले करने वाला काम आपको एक ही रहता है कि अलग अलग किस्म का फीड दीजिए, ठीक है। चावल कनके बहुत कम दीजिए, अजा हो रही है यार, थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करूँगा मैं। चलिए, अजान कंप्लीट हो गई है, नमाज को भी जाना है जल्दी से, मैं वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। देखो, फीड मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुर्गी के पंख है ना, वो मुर्गी को अलग सेपरेट रखते हो, एक 10-12 दिन के लिए रख कर क्या करोगे, कैल्शियम सप्लीमेंट टॉनिक इस्तेमाल करोगे, अगर से नहीं है तो ऑस्ट्रोवेट भी डाल सकते हो आप, उसमें विमरोल भी मिलाकर डाल सकते हो मेरे भाई, मल्टीविटामिंस की रहेगी। इसके साथ साथ सारे वर्ड्स को फीड क्या दोगे, देखो आप जो भी फीड दे रहे हो ना, उसमें पहला मक्का रहना है। 100 किलो फीड मैनेजमेंट बता देता हूँ। देखिए, 100 किलो में 60 किलो तलक मकई रहना है, मक्का जो कहते हैं, मकई रहना है। उसके बाद आप हरा चारे का भी इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ा सा, और घ्यू भी इस्तेमाल कर सकते हो, और बाजरे का इस्तेमाल करिए, और घ्यू सोयाबीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और थोड़ा सा कोंडा भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारे इकट्ठा पिसा लीजिए, पिसा कर दीजिए, थोड़ा कम ज़्यादा हुए तो चलेगा मेरे भाई। बट सिर्फ बहुत सारे भाई चावल दे देते रहते हैं, कनकी दे देते रहते हैं, खाली जवारी दे देते, ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। घरों के पास कैसे रहते हैं, आसपास के नाली में वगैरह कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं उनको, जो घर के बाजू वाले कुछ फेंक दिए, उधर वाले कुछ फेंक दिए, मिल जाते, खाते अच्छे रहते हैं। बट फार्मों के पास ऐसे नहीं है मेरे भाई,
बोरियां नहीं रहते ना यहाँ पे, नालियां नहीं रहते ना, उनको कीड़ा नहीं मिलता है, उसमें प्रोटीन नहीं मिलता है ज्यादातर। इसीलिए जो फीड बताया हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको करने वाला और एक काम क्या रहता है, देखो जितने भी बर्ड्स है ना, मुर्गियां है ना आपके, एक सात मुर्गी में एक मुर्गा रखने की कोशिश करिए। उसके बाद सात मुर्गी में एक मुर्गा नहीं है आपके पास तो क्या होगा, सात मुर्गी में दो मुर्गे है मान लो, तो आपको क्या होगा वहां पर मुर्गों के बीच में लड़ाई भी होगी, पंख भी उखाड़ के खाते रहते हैं। और एक ज्यादा भी मुर्गे रहने से क्या है, एक मुर्गी पे क्रॉस होते ही मुर्गा और दूसरे में मुर्गा जाकर उस पर फिर क्रॉस होते रहता है। इसलिए मुर्गों की तादाद भी बहुत ज्यादा मत रखिए, सात मुर्गी से लेकर दस मुर्गी के बीच में एक मुर्गा रहे तो काफी है, ठीक है। ये मेंटेन करिए, डेफिनेटली आपके मुर्गियों के पंख नहीं जाएंगे, अगर से जा रहे हैं तो गए हैं, अगर से तो सेपरेट रखिए, एक 10 दिन 12 दिन तक उसको अलग रखकर सेपरेट खाना दीजिए, पानी दीजिए, अच्छे से जो एंटीबायोटिक्स बताया हूँ ये इस्तेमाल करिए, देखते हैं फिर उसके पंख कैसे नहीं आते। क्योंकि भाई पूरा 5 साल से रिसर्च करते हुए ही मैं आपको टॉपिक बताता हूँ दोस्त, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल रिसर्च के सहारे मैं बोलता हूँ, नहीं तो मैं बुक्स पढ़ी सो नहीं, पढ़ने में और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंट रहता है मेरे भाई। ऑलरेडी मैं कितने साल, एक 6-7 साल पहले ही सब कुछ पढ़े हुआ हूँ और 5 साल से कंटिन्यू प्रैक्टिकल रिसर्च कर लेते ही आपको बता रहा हूँ। इसीलिए मेरे भाई जो भी टॉपिक मैं बताता हूँ ना, प्रैक्टिकल रिसर्चेस के जरिए ही बताता हूँ, मैं खुद करता हूँ बर्ड्स के ऊपर, उसके बाद आपको बताता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, कल शाम 5 बजे सेकंड चैलेंज आने वाला है अपना, वो सेकंड चैलेंज क्या रहेगा, कल का चैलेंज क्या था वीडियो का, देखिए ना आप, मुर्गियाँ कितना दाना खा रहे हैं अपने चूजों के, दो महीने के 3 महीने के बीच में चैलेंज लगाए थे। आज के कल के वीडियो में आएगा कि सूखा फीड देते हैं, गीला करके नहीं देते। कल का वीडियो देखिए, पिछले मेरे 2 वीडियोस देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी टोटल अपने 600 के करीब वीडियोस रहेंगे दोस्त। ये 600 के करीब वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अपने, पिछले वीडियोस देखिए, वो देखे बगैर मुर्गी पालन स्टार्ट मत करना, क्योंकि मेरे भाई मुर्गी पालन में नॉलेज की कमी की वजह से, तजुर्बे की कमी की वजह से ही बहुत सारे 90% भाइयों को लॉस जा रहा है। ये लॉस नहीं जाना है तो आपको तजुर्बा पाना है, तजुर्बा पाना है तो खुद से तजुर्बा पाने के लिए 3-5 साल लग जाएंगे। इसीलिए मुझ जैसे भाइयों के आपने वीडियोस देखकर आप सीखोगे ना, बहुत जल्दी कर पाओगे, 1-2 साल के अंदर ही काफ़ी मोटी तादाद में इनकम पाना शुरू कर सकोगे आप। इसीलिए आपका लॉस नहीं जाना है तो वीडियोस देखो पूरे, नॉलेज गेन करो, नॉलेज गेन करके मुर्गी पालन स्टार्ट करो। मिलते हैं कल शाम 5 बजे वो वीडियोस आने के लिए, आपको सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकॉन दबाकर ऑल कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे।